वेलकम टू सी एस सेंटर द हिंदू के हेडलाइन न्यूज में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है एकदम ब्रीफ में। देखिए होलसेल प्राइस हमने डिस्कस किया कि होलसेल प्राइस जो कि इस समय काफ़ी लोवेस्ट है 21 मंथ से। थोड़ा सा एक सेकेंड हम अपना कलर चेंज कर लेते हैं। राइट ओके अभी देखिए अभी जो बिहार में ड्राई मतलब ड्राई स्टेट है वहाँ पे लिकर जो कि अलाउड नहीं है उसके बावजूद भी लोग स्मगलिंग करके पिए हैं उनकी डेथ हो गई है। रॉ ओवर द चाइना बॉर्डर टसल को लेकर के इन हाउस में अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है उसमें चाइना बॉर्डर के इशू को लेकर के जो कि वॉकआउट कर लिए हैं जो अप लीडर ऑफ अपोजिशन है गवर्न जो अभी दिल्ली में क्या हुआ हमने डिस्कस किया था जो कि स्कूल गर्ल्स थी तो उस पर एसिड अटैक हुआ है तो एसिड को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट निकल करके आएंगे इसमें हम आगे देखेंगे। एक अभी जो है कि काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने जा रहा है दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो कि वेस्ट होता है ना तो उसको वेस्ट टू एनर्जी को लेकर के किया है 23 अप्रैल के तक के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा की वेस्ट जो कि जनरेट होता है दिल्ली गवर्नमेंट। अग्निपथ अग्निवीर अग्निपथ जो कि स्कीम है इसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि डिफरेंट अदर कार्डर अदर इनके पे स्केल में क्यों डिफरेंसेस है। नेक्स्ट आर्टिकल जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में वाटर डिस्प्यूट हमेशा लेकर के रहता है हम आज इसका बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे पॉलिटी को रिलेट करके कि जो वाटर डिस्प्यूट कितने स्टेट के बीच में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको 3 महीने हम देते हैं कि इस ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करिए वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देखिए होता क्या है कि देखिए GI इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। अभी मिला है जो कर्नाटक केरला का जो कि बाईपुर उरू है ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं ये जो यहाँ पे मैप दिया हुआ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का मतलब ये देख लीजिए जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है ठीक है ये इंडिया का इस तरह से मैप देख लीजिए ठीक है मान लीजिए कि ये केरला है तो यहाँ पे उरू नाम का एक इस तरह का डायग्राम है आप यहाँ पे इसका GI मिलेगा ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफी एरिया है। जैसे मान लीजिए कि मखाना होता है बिहार का जो मखाना होता है ना उसको अभी अर्लियर जो कि GI मिला है फिर उसके बाद बनारस की जो साड़ी है उसको GI मिला हुआ तिरुपति का जो लड्डू होता है उसको जो है कि GI मिला हुआ तो ये जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस बेसिस पे इनको जो कि पेटेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत इनको जो है कि ये ज्योग्राफी इंडिकेटर पेटेंट कॉपीराइट एक्सेट्रा वगैरह दिया जाता है। दूसरी नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हैरिंग तेलंगाना आंध्र प्रदेश इशू को लेकर के है। नेक्स्ट आर्टिकल इन डिफिनाइट प्रोटेस्ट आइडेंटिफाई द प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एट द फिल्म इंस्टीट्यूट एट कोयाट्टम। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट काफी ये इंपॉर्टेंट है केरला को सीख देखिए अभी क्या है कि वहाँ पे कुछ होता है ना कुछ स्टेट में जैसे पंजाबी तो उनका जो यूथ होते हैं वो ड्रग्स एडिक्ट होने की रोड पे चले जाते हैं तो केरला गवर्नमेंट का अभी ये सोच रही है ना कि उनको एक स्पोर्ट्स की जैसी चीज़ों को ला करके हम लाएँ तो वो अच्छे उनकी स्ट्रेंथ हेल्थ और एक अच्छे डायरेक्शन में इंडिया का पोटेंशियल को करेंगे। अभी देखिए कि फरवरी में जो कि बजट सेशन चलने वाला तो बजट जो कि क्लाइमेट रिजिलियंस को लेकर के किस तरह का होगा उसका के टॉपिक है। नेक्स्ट आर्टिकल सेंसस देखिए होता क्या है कि हर 10 साल पे सेंसस होता है ठीक है बट अभी लास्ट टाइम 2011 में हुआ था अब 2021 में होने वाला था बट ड्यू टू कोविड डिस्टरबेंस ये सेंसस नहीं हो पाया लेकिन 2022 भी खत्म हो गया। अब समझ सकते हैं 2 साल मतलब एडवांस में हो रहा तो कब इसका सेंसस होगा और आने वाली खामे में जो असेंबली या MPs की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसका भी क्राइटेरिया 26 में जो है कि चेंज करने का प्रोविजन है तो आगे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल जीन थेरेपी को लेकर के है कॉर द कैंसर जीन थेरेपी अगर करते तो क्या इसको जो कि कैंसर को रिमूव किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इंडिया का जो कि एक्सपोर्ट जो है कि काफ़ी स्लो हो गया है उसको लेकर के यहाँ पे डिस्कशन किया गया है और उसके बाद देखिए एट प्रेजेंट टाइम में 2 बिग गैंट इन एशियन चाइना और इंडिया सबसे बड़े पावर के रूप में उभर के आए हैं जो एशिया में अब इनके बीच में टसल चली बॉर्डर ट्रेड एक्सेट्रा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी G20 का हमारा मेंबरशिप चले तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया जो कि शेयर करेगा अपना जो आधार कार्ड का जो एक्सपेरिमेंटल सक्सेस रहा है वो G20 कंट्री के साथ जो कि शेयर करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है नीट फॉर फिजिकल परस्यूट इंप्लीमेंट PFMS पैनल ने सजेस्ट किया हाउस कमेटी कॉल फॉर द मोर मेडिकल फैसिलिटी फॉर
ट्रूप एट द फॉरवर्ड लोकेशन। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, एयर क्वालिटी। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि मुंबई में एयर क्वालिटी बहुत ही पुअर चली गई है, तो हम आज इसको बिग न्यूज में एक डिस्कस करेंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स कब कैसे और कैसे काम करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा ने एक बिल क्लियर कर दिया, जो गोंड कम्युनिटी है अब SC से ST में जो है कि कन्वर्ट हो गई है, अब उनको 4 UP के स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट आर्टिकल, महाराष्ट्र कर्नाटका के बीच में जो बॉर्डर टसल चल रहा है उसको रिजॉल्व करने के लिए लोग दिल्ली विजिट किए हैं, दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वहाँ पे देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी हम आने वाले समय में एक डेट निर्धारित करेंगे, जो आर्टिकल 370 और 35 आर्टिकल रिवोक किया गया जम्मू एंड कश्मीर से, 2 UT में डिवाइड करके रख दिया गया है, तो उसके बाद में अभी भी हेरिंग चल रही है, समझ सकते हो कि 5 अगस्त 2019 में ये जो कि रिवोक किया गया था, अभी भी केस चल रही, तो वही आती केस पे केस ही चल रहा है अभी तक। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल कई दिन से आ रहा है, हम इसको एक बाद में पूरे आर्टिकल के कई आर्टिकल 4 से 5 आर्टिकल हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। अभी हुआ क्या है कि फ्यूजन के थ्रू जो कि 100% एनर्जी जो हो कि जनरेट करने की ब्रेक थ्रू के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो कि सामने, देखिए दो तरह की एनर्जी के दिया जाता है, एक होता है फ्यूजन होता है और एक होता है फ्यूजन होता है। फ्यूजन ये होता है कि दो छोटे छोटे आइटम को मिला करके एक बड़ा आइटम होता है, ये प्रोसीजर जो है कि आपका सन में भी चलता है, ठीक है। फ्यूजन होता है एक बड़ी जो कि दो पार्ट में डिवाइड, छोटे एक बड़ी आइटम जो कि तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते हैं, इससे क्या होता है एनर्जी लॉसेस होता है, और फ्यूजन को लेकर के हम डिस्कस करेंगे आने वाले समय में, जो 4-5 आर्टिकल हमारे पास और हो जाएंगे। सेंटर टेक द मेजर टू फर्दर हेल्प स्लो डाउन, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत से ऐसे स्कीम चला रहा है कि जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। देखिए होता क्या, मैं एट प्रेजेंट गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, जितनी अभी तक गवर्नमेंट आई सबका क्या कहना है, अगर वो इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो वो कहते हैं कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, राइट। जब इन्फ्लेशन कम होता है तो कहते हैं कि हमने तो ऐसा काम कर दिया कि जो है कि इन्फ्लेशन कम हो गया, तो ये लोगों का अपना पॉलिटिकल गेन होता है। दूसरी बात है, इंडिया सेट टू बाय रशियन क्रूड वेल बिलो $6 प्राइस कैप के नीचे, जो कि बोरो करेगा। तो ये द हिंदू का आर्टिकल्स रहा, सो थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।